ये सब फजूल लायानी खुराफात, इसका कोई मकसद नहीं। ये ताजियों में शिरकत, ये अलमों के साथ चलना, ये मातमी जुलूसों को के साथ चलना और वहाँ कोई मातम वगैरह का में हिस्सा लेना या खाली उसको देखना, ये सब खुराफात। हम यकीनन इसमें अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं और इमाम अली मकाम की रूह मुबारक को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, इमाम अली मकाम को हम नाराज़ कर रहे हैं। ये क्या है ताजियादारी, इसका क्या मकसद है? दुनिया कहाँ पहुँच गई और हमने अब तक यही चीज़ें नहीं समझी कि इसमें क्या चीज़, क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हैं, इसकी हकीकत नहीं समझ पाया। बस वो रस्में चली आ रही हैं, बाप दादू ने किया, किसी ने किया, बस वो आज पकड़ा हुआ। दोस्तों इन खुराफात से निकलो। ये अजीब अजीब मन्नतें, काली पट्टियाँ, काले फीरे कपड़े पहन करके, हरे कपड़े पहन कर फ़कीर बनना और काले रंग में रहना और समझना कि बस ये तरीका है मनाने का। नहीं नहीं नहीं, मना किया शरीयत ने इन बातों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने सोग मनाया, जिसने गम पे उभारा, गम को फैलाया, मातम किया, सीना पीटा, गाल नोचे, हम में से नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, हम में से नहीं है। जब हुजूर का नहीं है वो, तो इमाम हुसैन का कैसे होगा? इमाम हुसैन से उसका क्या ताल्लुक? इसलिए हमें इन बातों से रुकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नजर नियाज जो है वो करें और गरीबों को खिलाएं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफात में ना पड़ें कि उसको ही सब कुछ समझ लें।